जो नमस्ते। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग कर रहे हैं वॉक। वॉक कर रहे हैं यही इसी स्पेस पे। तो मैं अभी चलो थोड़ा टहल लेते हैं और आज देखते हैं रात भर जागते हैं। एग्जैक्टली आज थके भी है थोड़ा। हाँ, थके और भी हैं। कोशिश रहेगी कि थोड़ा आज के दिन भी थोड़ा जाग ले हम लोग, फिर कल अपने अपने घर पे। और सोना तो है ही, जलना है ही है। फिर फोन करके पूछेंगे क्या हुआ, खाना हो गया? हाँ हो गया, चल टाइम नहीं है हमारा पास। कल से तो शेड्यूल हो जाएगा ना कि 2 ही दिन रह जाएगा स्कूल चालू रहेगा। फिर 23 से ना हम सब लोग बिजी हो जाएंगे क्योंकि सबका स्कूल है। कविता का भी रिजल्ट का काम है, मेरा भी है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब ये 2 दिन आराम है। और आज हमारा जो है ना, हम सोचे थे ना रात भर नहीं सोए, और वैसे भी 3 बजे हमें उठना है छठ पूजा के लिए। हम सोचे चलो कल हम 5 बजे जा सके तो 3 बजे क्या है। हाँ। कल घर में सोएंगे, दिन भर का करे की है वैसे। हाँ, सही बात है। जाने के बाद अपना अपना नींद उधरी आएगी। सही। तो इसके लिए अभी खाना हो गया है, इसलिए टहल रहे हैं सब लोग। और कल भी बहुत अच्छे से पूजा बहुत अच्छी होगी। और मैं बार बार इन लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ कि आने के लिए। थैंक यू भी बोलने की जरूरत है? नहीं नहीं मतलब मीन्स के सब लोग आए ना। तो क्या बहुत हुआ? अच्छा लगा। और पहली बार तो ना सबके हस्बैंड आए, दोनों बहनों के भी, और सबको, और सब ना बहुत तो नहीं जानते। जो मेरे स्कूल के टीचर से ना सब बोलते कौन है बड़ी, तो जी हाँ ये दोनों मेरे से बड़ी हैं, देख लो कि मैं छोटी हूँ। कितने लोग मुझे कविता छोटी हूँ बोलती, नहीं बड़ी है मेरे से, तो दोनों मेरे से बड़े, मैं छोटी हूँ। 3 मतलब भाई बड़ा, 2nd नंबर दीदी, 3rd नंबर ये, 4th नंबर मैं। तो इस तरीके से हमारे 4 भाई बहन पूरे मंडली एकदम से। बस ये कि चारों भाई बहन को कभी नजर ना लगे, किसी की नहीं लगे, किसी की नहीं लगनी चाहिए। तो घूम रहे एकदम मस्त, हमारा मन साफ, किसी की नहीं लगेगी। और किसको क्या सोचना है वो हमको पड़ी नहीं रहती है ना। हम लोग अपने में खुश हैं और अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करके जीते हैं। दुनिया को बोलने दो जो बोलना है, मुझे तो बिल्कुल नहीं फर्क तुझको। मुझे भी नहीं बाबा, हम जैसे वैसे ही हैं। हम ठीक है, हम जैसे हैं हम वैसे हैं, और बहुत खुश है। और हम किसी को बुरा भी नहीं बोलते और अच्छा भी नहीं बोलते। वो तो है, अगर हम किसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा तो बिल्कुल ही मत बोलना चाहिए। और मैं तो, मेरी तो यही है, तुम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते कि वो ऐसा है, बहुत सुंदर है, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है, तो तुम उसके बारे में बुरा भी मत बोलो, वो चाहे जैसे भी रहे, तुमको क्या करना है। वही बात है, तो सबकी एक ही बात है, हमने किसी को इतना हक नहीं दिया है कि लोग हमारे बारे में बुरा बोले या अच्छा बोले। सही बात है। बहुत लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं। बहुत लोग के कमेंट आते हैं कि मतलब कैसे होता है, क्या होता है, बोलने का तरीका सीख लो। तो हमारे जो हमारे संस्कार है ना, हमें सही सिखाए हैं, और हम कैसे बोलते हैं ना वो हमें पता है। वही बात है। तो हम कुछ गलत नहीं बोलते और कुछ गलत नहीं दिखाते, जो है हम अपना टैलेंट शेयर करते हैं। जैसे मेरा ब्लॉगिंग का है, दीदी का हेयर टिप्स, स्किन केयर, और कविता का भी प्रोडक्ट रिव्यू, स्किन केयर, हेयर केयर। तो हम तीनों के ब्लॉग में आपको अलग अलग देखने मिलेगा। देखो तीनों के अंदर कलाएँ अलग है ना। तो हम लोग अपना हुनर दिखाते हैं, तो जिसको पसंद है तो लाइक करो, जिसको नहीं पसंद है कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती लाइक करो या शेयर करो। होता है ऊपर स्क्रॉल कर दिया, कुछ नहीं होता है, हमको कुछ ही नहीं, हम अपनी आधे करते कर रहे ना। हाँ, ये सबसे देखे तो बहुत बड़ी बात है कि ये यादें इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मम्मी की, सबके देखे कि मम्मी की, बहनों की, मतलब मौसी वगैरह की कुछ भी यादें नहीं है, पर हम अपनी यादें रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि देखिए हम भी ऐसे थे। हाँ सही बात है, हम भी ऐसे थे और ऐसे ही हमेशा रहे और हमेशा खुश रहे, बस यही है भगवान से कुछ भी। तो चलिए अभी हमारी रात भर की क्या बातें वो तो हम करते रहेंगे, हमारी चालू ही रहेगी रात भर, पर आप लोगों को नहीं इतना बोर करेंगे। तो चलो फिर डायरेक्ट मॉर्निंग में ही आपसे हम मिलेंगे। डायरेक्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारा कोई थिंकिंग नहीं है, बट जो बुरा सोचता है वो बुरा ही सोचे, जो अच्छा सोचता है वो अच्छा ही सोचे। और पहली बात तो बहुत लोग कमेंट करते हैं मुझे खास करके कि या फिर आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं जो आपको, मतलब किसी चीज़ की। तो पहली बात तो जो चीज़ हम आपको दिखाते हैं, हम तीनों बहनों पे यही है, जो चीज़ हम प्रोडक्ट रहने दो या फिर या कुछ भी चीज़ें, जो हम चीज़ यूज
करते ना वही चीजें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक टाइम बनाया और आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सारी चीजें अपने ऊपर करते हैं, जब रिजल्ट अच्छा आता है ना तो आप लोग के साथ। तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अच्छे वीडियो लोगों को देखना पसंद नहीं है? और ना बोलते ना जो गंदे वीडियो रहते हैं और उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और जो इतने मेहनत से अच्छा एक रियल कहानी, रियल कुछ भी फेक नहीं है जो उनके लाइफ में चल रहा है वही आपको बता, तो उनका वीडियो आप लोगों को पसंद है। और जो एकदम बकवास घटिया वीडियो बनाते हैं जो देखने लायक नहीं रहता, और जो समय अभी यूट्यूब पे चल रहा है, अभी हमारा तीनों का डिस्कशन हो रहा था यार एकदम बेकार, तो उनके मिलियन मिलियन तक जा रहे हैं। सिल्वर बटन गोल्ड बटन पसंद ही आते हैं क्या? और एक हाउस कोई बात नहीं है, नहीं पसंद आते कोई बात नहीं, हमको हमारा दायरा पता है, हम अपने उस दायरे में बनाएंगे वीडियो, व्यूज और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बिल्कुल ही नहीं घटिया और चीजें करेंगे। और मेन चीज क्या है ना, हम लोग अपने जो क्या बोल रहे थे बिहेव में भी क्योंकि बहुत बातें हैं YouTube को लेकर, शेयर करेंगे ना तो दो तीन घंटा इसी में चला जाएगा। बहुत लोग के कमेंट भी आएंगे, आप लोग मुझे के दिन ऐसे नेगेटिव चीज़ें बातें कर रहे हो, नहीं बहुत दिनों बाद हम तीनों बहन एक साथ मिले हैं तो बातें बातें में हमारे जो ये निकली ये बातें निकलती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करें। इसका कोई गलत मतलब मत निकालिए। और ये यूट्यूब भी देखो, यूट्यूब भी हम अकेले एक जॉब नहीं है, ये भी टीचर है, ये भी स्कूल और फैमिली और यूट्यूब तीनों संभालती। दीदी हाउस वाइफ है, वो भी जॉब करती थी, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ा पर अभी हाउस वाइफ है, और ये भी यूट्यूबर अपना बच्ची ये फैमिली दिखती, प्लस मैं भी टीचर हूँ, फैमिली है और यूट्यूब, मतलब हम बिजी रहते हैं, हम कोई फ्री नहीं रहते, बट ये बता रहे हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता है फ्रेंड, और सब्सक्राइब कीजिए, हम भी चाहते हैं सिल्वर बटन गोल्ड बटन हमारे पास आए यार, और आप लोगों की दुआ से होगा। और छठ माई चाहे तो मुझे लगता है अगले छठ तक तो सिल्वर बटन आ ही जाएगा हमारे पास, आप लोगों को कृपा से आशीर्वाद से तो बना ही रखिएगा। और मैं चाहती हूँ छठ पूजा आप सभी का बहुत अच्छा जाए, वीडियो थोड़ा सा लेट देखने मिलेगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसके पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं तो मैं सब लाइन से शेयर करूंगी, तो थोड़े से लेट हो गए उसके लिए अभी से सॉरी। तो चलिए फिर अब हम डायरेक्ट सुबह ही आपको मिलेंगे, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगी फिर मैं, चलो फिर बाय एंड गुड नाइट। कुछ बोलिए आप कुछ बोल रहे थे, हम आपको रिकॉर्ड कर लें थोड़ा। आप बोल रहे थे हमें टीका नहीं लगाया, हमको टीका लगाना था, हम सिंदूर लगाए सब लोग। ये देखिए गौर से बच्चा, ये बहुत बोलता है और ये बहुत अच्छा भी है, बोलता है तो क्या हुआ पर बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट डे का है, तो ये छठ पूजा का सेकेंड डे का है, तो जो सुबह पूजा की जाती है, तो यहाँ पे मैं ना रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो मैंने ये कलर की साड़ी पहनी है और मैं इस तरीके से तैयार हुई। इस बार मैंने थोड़ा सा नेकलेस भी चेंज कर लिया है, शाम को कुछ मैंने अलग पहना था और सुबह मैं कुछ अलग पहनी हूँ, और सो के उठी ना काफ़ी जल्दी तो चेहरा एकदम सूजा सूजा सा दिख रहा है, एकदम सूजन आ गई जैसे लग रहा है। और अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 4:15, और घर में जो है सभी लोग ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हो गए हैं, और सुबह के समय ना कोई भी बच्चे नहीं गए थे, सिर्फ हम बड़े ही गए थे क्योंकि सारे बच्चे घर के में सोए हुए थे, तो हमने बोला उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करना, तो हम सिर्फ बड़े लोग ही गए थे। अब यहाँ पे हमारी सवारी निकल चुकी है और हम इतने लोग गाड़ी में पीछे बैठ चुके हैं, भाभी हैं और हम तीनों सिस्टर, मम्मी आगे बैठी हैं भैया के साथ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अंधेरा भी था और ठंड भी लग रही थी, और बट बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे हम बराबर टाइम पे निकल गए थे, हम सोचे हम बहुत लेट हो गए बट ऐसा कुछ नहीं, हम 4:30 तक घर से सुबह निकल चुके थे, तो ये सुबह का समय था फ्रेंड। तो यहाँ पे ना मुझे लगा सुबह के समय थोड़ी गर्दी कम रहेगी, बच्चे कम दिखेंगे, बट नहीं, गर्दी उतनी ही थी जितने हमने शाम को देखी थी। तो इस तरीके से जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सब धीरे धीरे आ ही रहे थे, आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी जगह खाली है और बहुत लोग आ भी चुके थे, पूजा करना शुरू भी कर दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब लोग जो है पहले पूजा किए, दिया बत्ती जलाए बैठ के, और उसके बाद लास्ट में जो है पानी में गए, तो हमने भी शुरुआत कर दी क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं, तो अब शुरुआत कर दी, अब हम भी जो है यहाँ पे मैं दिया जलाऊंगी और उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी, छठ माता से जो है प्रार्थना करूँगी। तो यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट हो जा रही है और साथ में सभी लोग थे, तो आप देख सकते हैं बच्चे कोई नहीं था, और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि बच्चे थे तो थोड़ा मस्ती भी कर रहे थे, बट हमने सुबह किसी को भी नहीं लेकर आए क्योंकि सब बच्चे सोए, तो अभी उन लोगों को भी क्या उठा के लाना, तो ऐसा था।
तो चलिए फिर यहाँ पे मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा। देखिए पूजा करने का ना सबका एक अलग अलग तरीका होता है, तो सबके यहाँ के जो है रीति रिवाज अलग अलग होते हैं छठ पूजा करने का। तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत अलग अलग लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से छठ पूजा कर रहे थे, तो बहुत कुछ सीखने भी मिला वहाँ पे। और है ना पूजा होने के बाद जो है सब जो है अपने आंचल में जो है सबसे प्रसाद मांगते हैं और सभी लोग जो है उनके आंचल में प्रसाद देते हैं। जैसे सब बोलते हैं ना भीख मांगना, तो ये छठ माता का जो प्रसाद है बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ही बड़ी पूजा है फ्रेंड ये। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ अगर जो भी गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और इस पूजा में थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है और यहाँ पे पूजा भी शुरू हो गई, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे जब उजाला होने लगा तो भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ये बहुत एक अलग सा एक एक्सपीरियंस देखने मिला, बहुत ही अच्छा लगा कुछ नया। और यहाँ पे हम सोचे भीड़ नहीं होगी इतनी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी आप देख सकते हो। दीदी तो दूर से ही वीडियो शूट कर रही थी, आगे कोई भी नहीं आ पा रहा था और मैं काफ़ी पीछे हो गई थी क्योंकि मैं सब पानी में जब गई तो मैं अब थोड़े अकेले ऐसा लग रहा था चलो मैं दिखूँगी, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब जैसे जैसे जिसकी इसकी पूजा हो रही थी वैसे वैसे सब पानी से जो है बाहर निकल रहे थे, मेरी भी पूजा हो चुकी थी, अब मैं भी जो है पानी से बाहर निकल गई। और यहाँ पे ना साड़ी ज़्यादा बिक गई थी ना, मैं चल नहीं पा रही थी, तो पर बहुत अच्छा लगा सबके साथ और बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई। और बस माता जी से आशीर्वाद है सारी मनोकामना पूरी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। तो हमारा जो है छठ पूजा अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा नाश्ता पानी कुछ करेंगे और छठ माता जल्दी से बबीता की गोद भरे, हमने बहुत प्रार्थना की है, और जल्दी से अगले साल तक लेकर के आ जाए नन्ना मुन्ना बाबू, है कि नहीं। सबका बहुत सारा आशीर्वाद है बबीता को, जल्दी जल्दी आए और तब धूमधाम से करेंगे। मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, मम्मी पापा भी रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वही बात है, तो अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। अभी हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, सुबह के बजे टाइम सही टाइम पे घड़ी 8:30 हो रहा है, 8:30 हो गया अभी घर पे, हम लोग भी निकल रहे हैं, हम तीनों बहने अपने अपने अब घर पे जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगती है ना कि सुबह सुबह धूप जो मिलती है, सूर्य भगवान जी की देवता की दर्शन हो जाती है, एकदम अच्छी धूप मिलती है, एकदम सही लगता है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता बन रहा है, इडली और चाय बन रही है, तो फटाफट अब हम लोग फटाफट खाएंगे और फिर जाएंगे। चलो सबसे मिलाओ, पहले कहाँ गए लो?
हाँ बच्चों की मम्मी, बच्चों की मम्मी ये देखिए कितना बच्चा, कितना मासूम सा बच्चा। हाँ मेरा बाबू बहुत अच्छा है ना बाबू। हाँ श्रेयांश तो गुड बॉय, देखो ब्रश कर लिया मेरा बाबू। वाओ अभी नाश्ता करेगा, ब्रश तो इधर है। नहीं नहीं है नहीं, करके फिर चलो अभी सब अपने अपने घर है ना। तेरे तेरे सासू माँ इधर, कैसे लगा? अच्छा लगा यहाँ पे? आ? अच्छा लगा, सासू माँ को भी अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा। चलो बाय बाय सबको, बाय 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 बाय। बहुत मजा आया, फिर से वापस नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। हाँ। इतना दूरी मत बता, बोलो पास में मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब पास में मिलेंगे मतलब नेक्स्ट ईयर छठ। हाँ छठ पूजा। चलो बैग नहीं लोगे? इसी का बेटा है जो चिल्ला रहा पागल, इसका तो जोन हरकत है ना सब मैंने रिकॉर्ड किया है। दीदी बोली जा पापा पहना देंगे पापा। हाँ मैंने सुन लिया ना एक बार नहीं बोलते ना पापा थक क्या आया ना, पापा थक क्या आ लूंगा, कदम चलना पसंद नहीं करते थे। दोनों की जोड़ी सही है ना, छोटी छोटी जोड़ी। बहुत मजा आया ना, चलो अच्छा है इसी बहाने मुलाकात। हम लोग कैसे लग रहे हैं तीनों जन और अलग अलग कलर में। इंद्रधनुष वाला, इंद्रधनुष हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया है अब घर पे। हाँ अभी घर पे कुछ नहीं है क्योंकि खा के हम लोग खा तो लिए हैं, अब जाकर सोना है क्योंकि हम रात को 3 बजे उठ गए थे सब लोग। किसका पर्स है ना देखा लिया बैग में, कितना तो बड़ा चलता है। चलो फिर सब अभी यहीं से अलग हो जाएंगे क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ी से आए, सब अपनी अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। चला भैया क्यों का 2 पहिया तो क्यों का 4 पहिया पर पहिया बा। सही बात है, सबके पास कुछ ना कुछ है और सब अपनी अपनी सवारी से जा रहे हैं। बहुत हमारा बहुत अच्छे से छठ।